मूलभूत सुविधा टॉयलेट की उन्हें उपलब्ध करा सके। इस संभावना को, इस सपने को हकीकत में केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत के इतिहास में पहली बार संभव किया गया और इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी किया। बिहार की बहनों को ये एक उपलब्धि संकेत देता है कि केंद्र की एनडीए की सरकार निश्चय कर समय सीमा में ऐतिहासिक कदम महिला को मूलभूत सेवाएं दिलाने का काम कर सकती है और ये प्रमाण मात्र टॉयलेट की दृष्टि से नहीं देखा गया। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ बीपीएल की जो गरीब बहनें हैं उनका पहला गैस का कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवाया। बिहार की बहनें भलीभांति इस बात से परिचित हैं कि ये संभावना हकीकत में बिहार के लिए तब बदलेगी जब बिहार में पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार आएगी। महिलाएं पहले भी बिहार में कानून व्यवस्था जब चरमराई थी तब पूरी शक्ति के साथ बाहर आई थी और आज जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हम आंकड़े देखते हैं तो समझते हैं कि 2012 से लेकर 14 तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें रेप की घटनाओं में 21% की वृद्धि हुई है। आज मैं इस मंच से महिलाओं से एक बार फिर अपील करती हूं कि आगामी चरणों में भी वो पूरी ताकत के साथ बाहर आए और अपना समर्थन अपना वोट दें। मुझे ये ज्ञात है कि बिहार की विधानसभा विधान परिषद में बिहार की सड़कों पर नागरिक एक ही स्वर में एक ही मांग कर रहे थे कि मोतिहारी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बने उसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जाए। आज जिस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नीतीश कुमार जी ने किया है ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने केंद्र में बिहार की जनता की इस मांग को ठुकराया था। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, साधन को जुटाने का काम, समस्याओं के समाधान नागरिक तक पहुंचाने के कामों में हम प्रयत्नशील रहते हैं। केंद्र की दृष्टि से बोधगया में आईआईएम की चर्चा हुई, बजट में घोषणा हुई और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने बिना विलंब के इसी वर्ष में एकेडमिक वर्ष शुरू किया। जब विकास के मुद्दों पर चर्चा करना उन्हें स्वीकार नहीं होता तब भाषा मर्यादा के दायरे में नहीं रहती है। मैं मात्र इतना कहूंगी कि आज इस मंच से मैंने जो टिप्पणी की है वो विकास के मुद्दों पर आधारित है और मैं प्रश्नोत्तरी भी उसी दिशा में लेकर जाऊंगी।